हेलो भाई, मैं हूँ आसिफ सुभानी। तो भाई आज के टाइम अभी कोई भी कार ब्रांड्स हो भाई, एडिशन से कोई नहीं बचा है। लगभग जितने भी ब्रांड्स आप उठा कर देख लो भाई, कोई डार्क एडिशन लाता है, कोई जेट एडिशन लाता है, तो कोई भाई नाइट एडिशन करके अपने गाड़ी को मार्केट में उतार देता है। भाई रेड एडिशन भी कोई कोई लेते आता है। तो इस एडिशन के भीड़ भाड़ मेले में भाई इस निशान ब्रांड ने कहा कि मैं क्यों पीछे रहने वाला। एक टाइम रेड एडिशन आती थी, वो चीज बंद हुई, वापस से भाई रेड एडिशन आपको निशान मैग्नाइट में मिलने लगा। फिर भी भाई निशान वालों का दिल नहीं भरा, इस बार सोचा कि लाओ एक और एडिशन ट्राई किया जाए। तो ये जो नया एडिशन आपको इस गाड़ी में मिल रहा है वो है भाई गेजा एडिशन। ये है आपके सामने खड़ी वही गेजा एडिशन वाली वेरियंट। अब ये जो है बेस वेरियंट आती है एक्सी, उसके बाद आ जाता है एक्सेल। तो एक्सेल से ऊपर वाला वेरियंट कह सकते हैं। एक्सेल आपको अभी के टाइम पड़ जाता है 7,04,000 रुपए एक शोरूम। ये लेने जाते हो आप यानी गेजा एडिशन, तो इसके आपको प्राइस देने पड़ते हैं 7,39,000 रुपए। 35,000 रुपए आपको एक शोरूम एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। भाई 35,000 रुपए में इस गेजा एडिशन में खास क्या है वो चीज आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, क्या क्या चीज एक्स्ट्रा मिलता है। तो सबसे पहले जो नॉर्मल सारा चीज आता है वो दिखाते हैं। फ्रंट में यहाँ पर आपको नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प का सेटअप मिल जाएगा। इस जगह आपको मिल जाता है इंडिकेटर, डीआरएल वाली कोई चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन आपको क्रोम कलर के ग्रिल मिल जाएंगे। ये सारे चीज़ कहीं पर भी मैट कलर आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिल्वर कलर का स्किड प्लेट मिल जाएगा। और साइड में आते हो वैसे ब्लैक कलर की गाड़ी है तो और मस्त लगती है भाई दिखने में। यहाँ पर आपको टायर साइज जो है वो मिल जाता है 16 इंच का, 195/60 R16 यानी 16 इंच का। और सबसे जो खास बात है इस गाड़ी को लेकर वो है भाई इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस। ये देखो, ये है इसके नीचे वाला वेरिएंट। तो ये है अपना 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। कहीं पर भी आप इजीली जा सकते हो, अटकने वटकने की डर रहेगी नहीं। ORVM के ऊपर साइड में यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं, डोर हैंडल्स मिल जाते हैं सेम ब्लैक कलर के, और निशान मैग्नाइट का जो बैज है वो आपको इस जगह ब्रांडिंग मिल जाता है। पीछे साइड आते हो तो पीछे साइड में आपको निशान का लोगो हो गया, मैग्नाइट लिखा हुआ आता है। टोटल 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। अब आप लेते हो इसका XL वाला वेरिएंट तो उसमें आपको भाई रियर कैमरा नहीं मिलने वाला है, लेकिन इस गाड़ी में आपको यहाँ पर रियर कैमरा मिल जाते हैं। तो टोटल ना मोटा मोटी 5 फीचर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं आपको गेजा एडिशन में। 4 पार्किंग सेंसर्स हो गए, और बूट आपको ओपन करके दिखाएं तो ये कुछ इतना बड़ा सा बूट स्पेस मिल जाता है, पार्सल ट्रे नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपके सीट 60-40 फोल्ड अनफोल्ड नहीं होंगे, लेकिन हेडरेस्ट जो है दोनों आपको एडजस्टेबल मिलते हैं, ये देख लो। बाकी चलो इसे किया जाए बंद। रियर साइड में वाइपर मिल जाते हैं, डिफॉगर मिल जाते हैं, स्पॉयलर मिल जाते हैं, हाई माउंट स्टॉप लैंप, शार्क फिन एंटीना और रूफ रेल्स 40 kg वेट कैपेसिटी के साथ मिलता है। तो कोई वैसा कमी इस गाड़ी में नहीं मिलने वाला है। जो एक आपको कमी था रियर कैमरा, वो भाई दूर हो गया। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इसमें 40 लीटर का मिलता है, सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ मिलेगा। और चाबी आपको मिल जाता है भाई रिमोट की, गाड़ी आपको लॉक करना है या फिर अनलॉक करना तो कुछ ऐसा सकी मिलता है, और दूसरा भी आपको सेम रिमोट की मिलता है। मतलब कंजूसी वंजूसी वाली जो चीज़ है वो इसमें आपको नहीं मिलने वाली है। गाड़ी की जो साइज है ना वो इस प्राइस पॉइंट पर, हालांकि बेस वेरिएंट लोगे इसके सबसे नीचे वाले तो भाई 6 लाख रुपए एक सौ रुपये मिलेगा, तो उस प्राइस पॉइंट पर ना आपको बड़े से साइज का गाड़ी मिल जाता है। और सेफ्टी रेटिंग भाई इस गाड़ी की आपको अच्छी मिलने वाली है, ऐसा नहीं है कि कमजोर सी आपको फील होगी। यहाँ पर आपको सारे विंडो से रिलेटेड कंट्रोल मिल जाते हैं, वन टच डाउन मिल जाता है, वन टच अप भी मिल जाता है सिर्फ ड्राइवर साइड वाला। बाकी तीनों कंट्रोल्स आपको नॉर्मल मिलेंगे, ORVM फोल्ड अनफोल्ड करना हो उसके कंट्रोल हो गए, और एडजस्ट करना हो उससे रिलेटेड यहाँ पर फैब्रिक मिलता है। भाई असल जो चीज़ मिलता है आपको 35,000 रुपये देते हो तो वो है इसके म्यूजिक की क्वालिटी। ये सुनना आप, भाई JBL का आपको टोटल 4 स्पीकर्स का सेटअप मिलता है। मतलब इतनी बड़ी सी साइज की गाड़ी लेकर चल रहे हो, कहीं घूम घूम रहे हो, तो भाई आपको अच्छे जो है आवाज की भी जरूरत है ताकि आप इंजॉय कर पाओ। तो ये JBL का बैज के साथ आपको चारों डोर्स के ऊपर 4 स्पीकर्स मिल जाएंगे। बोतल होल्डर हो गए, यहाँ पर आपको मिल जाते हैं फ्यूल लीड ओपन करने के लिए लीवर।
तो गेजा एडिशन का असल जो कंपनी वालों का भाई निकालने का क्या कहें, मतलब माइंड जो सेटअप था ना वो था भाई इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम 9 इंच का डाल देना, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस भाई इसमें कनेक्ट होंगे, और मिरर लिंक का भी इसमें आपको सिस्टम मिल जाता है, JBL का चारों डोर्स के ऊपर 4 स्पीकर्स मिल जाता है, और रियर कैमरा भी मिल जाता है भाई। कैमरा की क्वालिटी भी ना आपको जो इसकी और गाड़ी आती है ना उससे बेटर क्वालिटी है भाई। जैसा कि ड्राइवर कह रहे थे कि भैया इसका जो कैमरा का क्वालिटी है ना वो इसका नॉर्मल वाला आता है उससे बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको हेडलाइट लेवलिंग कंट्रोल मिल जाएगा, ये है भाई ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, बेस वेरिएंट से टॉप वेरिएंट सब में मिलेगा। और हाँ, एक चीज़ जो और एक्स्ट्रा गेजा एडिशन में मिलता है वो है भाई अपना एम्बियंट लाइट। ये आप देख रहे हो यहाँ पर आपको दोनों साइड मिलता है, ड्राइवर साइड और साथ में वो पैसेंजर साइड अंदर साइड में मिलता है। उसे आप मोबाइल से कनेक्ट करके चेंज भी कर पाओगे, जो कलर आपको रखना है, गाने आपके बजेगी तो वो भी भाई थिरकेगा, मतलब समझ रहे हो ना। तो ये सारा सिस्टम मिल जाता है। यहाँ पर आपको हेडलैम्प का कंट्रोल मिलता है मैनुअल वाला, वाइपर का कंट्रोल मैनुअल वाला, और MID जो है ये आपको मिल जाती है फुल्ली डिजिटल वाली, टैकोमीटर हो गए, फ्यूल लेवल इंडिकेटर, इंजन हीट से रिलेटेड वार्निंग, डिजिटल स्पीडोमीटर, और इसे चेंज करने के लिए ये मिलता है ट्रिप ए हो गया, ट्रिप बी हो गया, और रेंज बताएगा, और गाड़ी टोटल 5 किलोमीटर चला वो चीज़ बता रहा है, इंस्टेंट क्या माइलेज दे रहा है, एवरेज फ्यूल यूज टोटल गाड़ी ने कितना किया, वो सारा चीज़ मतलब इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। टायर प्रेशर इन सब से रिलेटेड आपकी अगर वार्निंग यानी टायर प्रेशर कम रहेगा ना तो उसका ज़रूर आपको वार्निंग मिलेगा, और वो सारा जो सिस्टम है ये भी यहीं पर मिल जाता है। ट्रैक्शन कंट्रोल अगर आप प्रेस करते हो तो ये देखना यहाँ पर थोड़ा जो है ESC इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ऑफ हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ, वो सारा चीज़ आप यहीं से कर लोगे। तो खैर आ जाते हैं वापस से फीचर्स के ऊपर। ऑटोमेटिक AC का कंट्रोल मिल जाता है यहाँ पर, मोबाइल रखने के लिए स्पेस मिल जाता है, हज़ार लाइट का कंट्रोल, डोर लॉक अनलॉक, डिफॉगर ऑन करना उससे रिलेटेड, AC वेंट्स जाते हैं मिल, और यहाँ पर बड़े से साइज़ का आपको ग्लो बॉक्स मिलता है। ये है 5 स्पीड का मैनुअल गियर लीवर, यहाँ पर भी मोबाइल रखने के लिए स्पेस मिलता है, और एक चार्जिंग सॉकेट अपने को इस जगह मिल जाती है। मैनुअल हैंड ब्रेक हो गए, 2 बोतल होल्डर हो गए। मैनुअल वाला आपको IRVM मिलता है, रीडिंग लैंप जो है ये चीज़ नॉर्मल हैलोजन वाले मिलेंगे। यहाँ पर माइक मिल जाता है नॉइज कैंसिलेशन, वैसे ये जो माइक है ना इस चीज़ का अपना कनेक्ट है यहाँ से। तो भाई फीचर्स कुछ ऐसा सा मिलता है, यहाँ पर देख लो JBL, पीछे जाते हो तो भाई पीछे भी आपको JBL यानी हर जगह आपको सिर्फ JBL ही JBL मिलता है। ये देखो यहाँ पर भी आपको JBL लिखा हुआ मिल जाता है, अगेन फैब्रिक मिलेगा, विंडो का कंट्रोल हो गया। यहाँ पर बैठते हो ना तो भाई रियर साइड में कम से कम AC वेंट्स देने चाहिए थे कंपनी वालों को, लेकिन ये थोड़ा कमी सा लग जाता है, टॉप मॉडल भी लोगे तो शायद उसमें नहीं आता है। यहाँ पर आपको रीडिंग लैंप फिर से मिल जाएंगे नॉर्मल हैलोजन वाले, आर्मरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी। तो अब ऐसा नहीं है कि कंपनी वाले सिर्फ आपको JBL वाला जो चीज़ है वो चिपका करके दे दिए हैं भाई, इसका जो म्यूज़िक का क्वालिटी है वो भी एक नंबर मिलता है भाई, मज़ा आ जाता है सुन के। जैसा कि आपने सुना होगा थोड़े देर के लिए, अगर आप कहोगे तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो अपन लोग शूट कर लेंगे कि क्या आपको क्वालिटी मिलती है। अब आ जाओ भाई असल बात कर लेते हैं इंजन को लेकर। तो ये है अपना 1 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, टर्बो का भी आपको इसमें ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर पैडिंग वैडिंग भी जाती है मेन। तो ये इंजन 72 PS का पावर और 96 Nm का टॉर्क डिलीवर करके दे देता है अपने को। तो इंजन वैसे इसमें थोड़ा और बड़ा रहता तो और ज़्यादा पावर देता, लेकिन वही बात है कि प्राइस जो थी भाई इस गाड़ी की जाती बढ़। तो भाई यही मोटा मोटी 4-5 चीज़ आपको मिल रहे हैं 35,000 रुपये में। एक बार और से दोहरा देता हूँ, इसमें आपको JBL के स्पीकर्स मिल जाएंगे, ये हो गए, साथ में आपको एम्बियंट लाइट मिल जाएगी, ये चीज़ हो गए, इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएंगे टच स्क्रीन वाले, और आपको उसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस वाला चीज़ मिल जाएगा, और भाई आपको इसमें रियर कैमरा मिल जाएंगे। तो 35,000 रुपये में आपको कैसी लगी ये वेरिएंट आप हमें कमेंट करके बताओ भाई, वैल्यू फॉर मनी वाली चीज़ है यार, सही बता रहा हूँ, 35,000 रुपये इसके लिए कुछ भी नहीं है। तो चलो मिलते हैं जल्दी आपसे अगली वीडियो में, अगली वीडियो तक भाई ड्राइव सेफ बी सेफ।